को इधर जो है मैंने दाना डाल दिया और ये दाना खा रहे हैं और चूजा भी इनके साथ है। तो ये जो है अपने बच्चों को फीड करवा रहे हैं, उसके बाद ये भी अंडों पे जाके बैठ के ये पिए रहे ये बच्चे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने जो है रोटी उठा लिए, वो जाके मुर्गियों को डाल देता हूँ मैं रोटी। मैंने रोटी डाल दिए तो सुबह फजर के टाइम में आया था। फजर के टाइम इनको मैंने दाना जो है वो डाला था और पानी भी डाला था। उसके बाद मुझे उठने में लेट हो गई, तो अभी थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई। अभी मैं आया हूँ तो अभी इन्होंने दाना जो है वो ख़त्म कर दिया है, खा गए, खास करके भजीज जो है वो और ये कॉकटेल्स। तो अभी इनको भी दाना डालते हैं थोड़ी देर बाद, और फिर जो है अभी दरवाज़ा खोलता हूँ मैं ताकि ये मुर्गे जो है मुर्गियाँ तो नहीं रही, अब सिर्फ मुर्गा और मुर्गी, तो ये बाहर चले जाएं। तो अभी मैं दरवाज़ा बड़ा वाला जो है वो पूरा खोल देता हूँ ताकि ये बाहर चले जाएं। ये जा रहे हैं अभी बाहर दोनों, तो इसको इधर ही रहने देते, ये इधर ही रहता है बाहर, फिर भाग जाता है, ये हमारे हाथ नहीं आता, तो ये जा रहे हैं। अभी यार मैं इसके एग्स की जो है कैंडलिंग करने लगा हूँ। बेचारे का मेल तो चला गया, तो इसके लिए को मेल लाएंगे जब इसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे। यार बहुत ज़ोर से काट रहे हैं, तो देखते हैं किसका प्रोसेस बन रहा है बच्चे का या नहीं बन रहा। इनक्यूबेट तो सही से कर रही है, तो अभी जाके कैंडलिंग करते हैं। तो अभी एक की करते हैं, अभी इस वाले की कैंडलिंग करते हैं। तो यार इसमें भी प्रोसेस बन रहा है, ये भी देखें रेड हो रहा है, लकीरें भी आ रही हैं इसमें, और माशाल्लाह से ये वाला भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी प्रोसेस बन रहा है। तो दोनों एग्स जो हैं वो ठीक है, इन दोनों में प्रोसेस बन रहा है। तो अभी जाके फीमेल के नीचे रख देते हैं ताकि ये ठंडे ना हो जाए और फीमेल भी डिस्टर्ब ना हो। सर इनके जो दूसरा बच्चा होता है उनकी क्यों ग्रोथ रुक जाती है? ये देखें, इसकी भी ग्रोथ बहुत कम हो रही है और वो बड़ा हो गया, फिर भी ये तो ठीक है। इनमें से ये देखें, ये वाले की बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है, और ये देखें, और ये जो दूसरा है वो तो बढ़ ही नहीं रहा बिल्कुल। ये देखें, ये जो है वो बिल्कुल छोटा सा ही है, ये देखें कितना छोटा है, और उसकी ग्रोथ देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया। तो यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, शायद इनको माँ बाप फीड नहीं करवा रहे इसको, तो कुछ भी हो सकता है। अभी इसको रख देते हैं अंदर, और इस वाले को भी अंदर ही रख देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है इनके साथ, बच्चों के साथ। तो ये तो फिर भी ठीक है, दोनों इनकी ग्रोथ अच्छी जा रही है, सही जा रही है, तो इसकी मुझे टेंशन होगी अभी, और उसके बाद ये भी अपने अंडों पे बैठ के ही सही से। तो यार इसकी भी देखिए आप, यहाँ से रिंग आ रही है, ब्लैक ब्लैक यहाँ से जो है ना साफ जाहिर हो रहा है कि इसकी रिंग जो है आना शुरू हो गई है। अब ये शुरू हो जाएगा, चुप्पी नहीं होगा। क्या हो गया? तो अभी इसका मूड नहीं है, मैं आपको रिंग दिखाने लाया था। यहाँ से माथे से भी ये देखें ब्लैक निशान आ रहा है, उसके बाद साइडों से भी और पीछे से ऑरेंज वाला कलर का निशान वो भी ज़ाहिर हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्दी इसकी रिंग आ जाएगी और ये भी एडल्ट हो जाएगा। तो ये भी कब से उठी हुई है, पता नहीं क्या ये मेल की वजह से ऐसे हो रहा है या फिर कोई और चीज़ें, अंडों पर नहीं बैठी कब से, मार तो रही है पर अंडों पर बैठी नहीं है कब से। अंडे गर्म तो हैं, अल्लाह करे बेचे नहीं तो क्या होगा, अंडे ख़राब हो जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसके बच्चों का था, उसके बाद वो बच्चे वो रहे, और इन बच्चों की ग्रोथ दोनों की अच्छी, और ये वाला बच्चा भी बड़ा हो गया और वो वाला भी, उसका भी कलर बहुत प्यारा हो रहा है। तो इनको रहने देते हैं यहाँ पे अभी। तो अभी आ गया मैं इनके पास और मुर्गियों को खोल देते हैं ताकि ये बाहर चली जाएँ, बाहर जाएँ, इधर ही घूमें, इनकी मर्ज़ी है। शाम का टाइम है अभी, तो इनको खोल देते हैं। और ये भी दोबारा से दूसरी बार दाना डाल चुका हूँ, अभी तीसरी बार इनका दाना ख़त्म हो चुका है। ये देखें ये भी और ये भी सबका दाना, तो इनको दाना डालते हैं और इनको मैंने खोल दिया। यार भाई को इतना मना करता हूँ इधर पानी ना डाला करो, देखिए पानी डाल के सारा कचरा कर देता है, फिर स्मेल हो जाती है, और रैबिट भी इधर इंतज़ार में है। तो इनको जो है दोबारा से मैंने दाना डाल दिया, देखें सब दाना खाने में बिजी हैं, और उसके बाद ये भी दाना खा रहे हैं। ये भी बाहर लड़ाई करके आए, ये पूरा दिन लड़ता रहता है बाहर के दूसरे जो हैं मुर्गियाँ उनसे, तो फिर से लड़ाई करके आया है और यहाँ पे आके दाना खा रहे हैं। देखें तो मैं जो है वो अभी आया हूँ इनके पास शाम के टाइम, इस वजह से कि मुझे दोपहर के टाइम इधर गर्दन के पीछे तंबूरी ने काट लिया था, और उसकी मुझे हो गई थी एलर्जी, पूरा फेस मेरा स्वेलिंग कर गया था। उसके बाद जो है अभी ठीक हुआ हूँ, तो अभी आके मैंने इनको देखा, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई, वरना मैं पहले ही इनके बाद आ जाता। ठीक है, अभी आ गई, बैठी है यहाँ पे और अंडों पे नहीं बैठ रही फिर से। और दोबारा यार ये जो है
इनके बच्चे चेक करते हैं, इनके बच्चे भी ठीक है और इनके बच्चे भी ठीक है। तो पता नहीं क्यों उस वाले छोटे वाले बच्चे को ये जो है ना फीड नहीं करवा रहे, और इनका ये देखें बच्चे की ग्रोथ, माशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये बाहर आ जाएगा। ये बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ गए इनके केज में, वो देखें ये भी तेज़ हो गए, तो कुछ दिनों में ये भी बाहर आ जाएगा। अभी इसको कर देते हैं बंद हम, ये तो जी ये आ गए इनके आगे। अभी बिल्ली के आने का टाइम है तो उससे पहले हम इसको कर देते हैं बंद। तो ये हो गया बंद। तो ये रैबिट्स का जो है वो घास आ गया था, देखिए कैसे देख रहे हैं, इनकी आंखें जो है वो चमक रही हैं अभी फ्लैश की वजह से। तो इनका घास आ गया था वो मैंने डाल दिया था, इसके बाद इनको चावल भी डाल दिए थे। तो ये अंडे तो नहीं दे रही मुर्गी, मैंने मुर्गा भी लेके आ गया मैं, फिर भी जो है ये अंडे नहीं दे रही। और बजीस वगैरह सब चीज़ ओके है। और फिंचेस ये देखें यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही हैं रात के टाइम बैठी हुई। और उसके बाद कुछ जो है अंदर यार सारे डर गए परिंदे, वो फिंचेस भी भाग गई ऊपर। तो इनको यहीं पे रहने देते हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था, मिलेंगे इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।